त्रिंशत लक्षम पशुनांच, और पशु योनि एनिमल्स त्रिंशत 30 लाख, 3 मिलियंस योनीज ऑफ एनिमल्स, चतुर्लखम च वानर, वानर मीन्स एप्स, मंकी स्पीसीज, ये वानर जो है बंदर जाति, इसकी कितनी 4 लाख योनिया। तो अब हम इनको गिनेंगे तो आ जाएगा 84 लाख। सो द टोटल ऑफ ऑल दीज योनीज लाइव्स कम्स टू 84 लैक्स। ततो मनुष्यातम प्राप्य, ये 84 लाख योनियां पार करने के बाद मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। आफ्टर क्रॉसिंग दी 84 लैक लाइव्स ऑफ क्रिएचर्स, डिफरेंट क्रिएचर्स, वन गेट्स ह्यूमन लाइफ। ततो कर्माणि साधयेत, और ये मनुष्य में भी कितने बार आना जाना होता है, अप एंड डाउन, कितनी मनुष्य जीवन के बाद कर्माणि साधयेत, साधना कर्म करने का अवसर मिलता है। सो इन ह्यूमन लाइफ ऑल्सो वन कम्स अगेन एंड अगेन 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 एंड देन ही गेट्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। That's why Baba has given one Prabha Sangeet. Eshe chile tumi amar jivane kato janmer punya phale, kitne janmo ke punya ke baad Prabhu tum mere jivan mein aaye। To ab samajhiye ye manushya ka jivan kitna important hai। तो अब हम साधना मार्ग में भी आ गए, तो हमारा बाबा कहते हैं तो एक साधक का जीवनचर्या क्या होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन से बढ़कर और कोई जीवन नहीं है, ये बात तुम दृढ़ता से अपना लो। इसलिए हमेशा आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य क्या है, ईश्वर परमात्मा। इसलिए सवेरे जब नींद टूट जाए और सोते सोने जब जाते हैं तब तक ईश्वर को नहीं भूलना है। आध्यात्मिक जीवन, इससे बढ़कर और कोई जीवन नहीं है। अब है कर्म पक्ष की बात। तो बाबा कहते हैं कर्म कैसा, तो कर्म तो करना ही है, कर्म तो करना ही होगा, और कर्म करो मन और प्राण से कर्म करो।
लेकिन आध्यात्मिक जीवन के साथ एक सामंजस्य जीव सामंजस्य बनाते हुए, देयर शुड बी हार्मोनी एडजस्टमेंट बिटवीन स्पिरिचुअल लाइफ एंड एक्शनल लाइफ, स्पिरिचुअलिटी एंड एक्शन. सो लिव लाइक दिस. कर्म में कहा गया है कि फलाकांक्षा त्याग. फल एक भक्त कहता है जिसके अंदर बहुत भक्ति है कि मेरे जो अशुभ कर्म हैं उनका फल भोगने के लिए मैं तैयार हूँ, राजी हूँ, भोगूंगा, मैं भोगूंगा, लेकिन मेरे जो शुभ कर्म हैं उनका फलाकांक्षी मैं नहीं हूँ, उसके फल का मैं इच्छा नहीं रखता हूँ, वो मैं परम पुरुष को समर्पित कर देता हूँ. तो जब तक मनुष्य साधक शुभ चिंतन करता रहता है, ईश्वर का चिंतन करता रहता है, तब तक तो ठीक रहता है. और उसके बाद जब वह दुनियादारी के काज में लग जाता है, अच्छे बुरे लोगों के संपर्क में आता है, तो उसका प्रभाव उस पर पड़ने लगता है और उसका जो माइंड है वो डाउन आने लगता है. बहुत से एक मार्गी हैं, वो बता रहे थे हमको कि इतना भ्रष्टाचार है, उनका ट्रांसफर होकर दूसरी जगह गया, बहुत भ्रष्टाचार है. हम बोले भ्रष्टाचार है तो उनको करने दे, तुम क्यों प्रभावित होते हो. तो बाबा कहते हैं कि अपने कर्म में ईश्वर भाव लेकर उनका उनके अस्तित्व का अनुभव करते रहो, तो फिर एक एडजस्टमेंट हो जाएगा, एक संतुलित जीवन, एक सामंजस्य रखते हुए चलते रहोगे. पतंजल योग दर्शन में एक जगह कहा गया है कि जो अज्ञान है, इग्नोरेंस, इसके पांच केंद्र होते हैं. अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश. यहाँ मैं अभिनिवेश के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा. अभिनिवेश क्या है? मान लीजिए कोई बहुत स्कॉलर है, लर्नड है, विद्वान है, वह जानता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, फिर भी वह अनुचित और अवांछनीय तत्व के पीछे, चीजों के पीछे भागता है, दौड़ता है. समझता है क्या उचित है, क्या अनुचित है, व्हाट इज प्रॉपर, व्हाट इज इम्प्रॉपर, व्हाट इज डिजायरेबल, व्हाट इज नो अनडिजायरेबल. स्टिल ही रन्स आफ्टर द अनडिजायरेबल एंड इम्प्रॉपर थिंग्स. तो ऐसा क्यों होता है? यह एक अविद्या द्वारा प्रचालित एक जड़ गति है, क्रूड मूवमेंट है, जो अविद्या शक्ति द्वारा परिचालित होता है. इसलिए
इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, तो बताते हैं जतोमान का पालन करना है। जतोमान माने हार्ड परिश्रम, डिलीजेंस, आध्यात्मिक कर्म में खूब परिश्रम करना होगा, इसी को कहते हैं जतोमान। बाबा कहते हैं देखो जी, तुम किसी अवांछनीय खराब पथ पर न चले जाओ और तुम आफत में न फंस जाओ, इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए परम पुरुष 24 घंटा तुम्हारे ऊपर नजर रखते हैं। जब कोई आफत आ जाती है तो कौन बचाता है, तो ये बात भी याद रखना है। तो मैं यह विषय इसलिए लिया कि कुछ जो आनंद मार्ग विधि से सुशोभित हुए हैं, विवाह हुआ है, दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं, कभी कभी कानों में कुछ शिकायत आती है, विवाह को लेकर के, फिर दाम्पत्य जीवन को लेकर के एक दूसरे से खुश नहीं है, कुछ और सोच रहे हैं, मन इधर उधर भाग रहा है। तो ऐसी जो अप्रिय घटनाएं जब कानों में आती हैं तो बहुत दुख होता है, मार की भी बदनामी होती है, दुख होता है। इसलिए मैं ये टॉपिक इसलिए लिया, यही इस विषय को लेने का मेरा कारण है कि याद रखो बाबा कहते हैं मानव जीवन आदर्शोन्मुखी प्रवाह है, एक आदर्श पर चलने के लिए आए हैं। आदर्श पर चलने के लिए संघर्ष तो आएगा ही आएगा, संघर्ष करना है, आदर्श से विमुख नहीं होना है। तो इस चीज का हमारे मार्गी भाई बहन या इन सब चीजों से जो पीड़ित हैं ध्यान रखेंगे कि कभी भी आदर्श से विच्युत नहीं हो। पहले ही अच्छे से सोच विचार कर लीजिए और तब आगे बढ़िए। तो ऐसी शिकायत आने से बहुत दुख होता है, दुख की बात है ही। कुछ लोग मुझसे मिले भी, अपनी अपनी शिकायत किए, ये सब किए। तो इसलिए मैं इस विषय को लिया हूँ। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं, तो देखिए एक संकल्प लेना है
वो संकल्प प्रभा संगीत में बाबा दिए हैं। तो दो प्रभा संगीत अभी होंगे इसी से संबंधित, और इस प्रकार से गाइए कि दो लाइन कम से कम, पहली दो लाइन सब फॉलो करें। तो पहला है, बाबा ए बार जाबो ना जड़ेरी डाके, तो आप लोग भी गाएंगे। बाबा ए बार जाबो ना यार, गाइए बाबा ए बार जाबो ना यार, जोरी रे डाके रंग बिरंगे खेलन आशा, डाके आमाके जोरी रे डाके, जोरी रे डाके बाबा ए बार जाबो ना यार, ए बार जाबो ना बाबा ए बार जाबो ना यार, ए बार जाबो ना यार, जोरी रे डाके, जोरी रे डाके, पथेर हादिस के ओ जाने ना, पथ के नोटा पथ के नोता क्यों बुझे ना, पथेर हादिस के ऊ जाने ना, पथ के नोता क्यों बुझे ना, पथेर हादिस के ऊ जाने ना, पथ के नोता क्यों बुझे ना, कांटा भये क्यों चले काटर भाई क्यों चले ना, निजे री लखे, निजे री लखे जोड़े रे डाके, जोड़े रे डाके।
बाबा ए बार जाबो नया जाबा ए बार जाबो नया बाबा 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 ए बार जाबो हे बाबा हे मेरे बाबा अब मैं उधर नहीं जाऊंगा। जड़ेरी डाके उधर तो जड़ता तामसिकता बुला रही है। रंग बिरंगे खेलना आसार डाके आमा के ये जो रंग बिरंगे मायावी चीजें हैं ये कैसे बुला रही है। बंगला में बोलते हैं हाथ छानी ऐसे इशारे से ऐसे बुला रहे हैं। इसलिए हे बाबा मैं अब उधर नहीं जाऊंगा। फिर और भी इसमें बहुत है आगे किस तो अब आप लोग दूसरा गाना मन के कोनो छोटो काजे नापते दो बोना आप लोग भी गाइएगा। मन के कोनो छोटो काजे नापते दो बोना के कोनो छोटो काजे नापते दो बोना मन के कोनो छोटो काजे नापते दो बोना मन के कोनो छोटो काजे नापते दो बोना ना छोटो काजे नापते दो बोना आशुम
মুছে আনব হাসি কান্ন সরে বাজাও বাঁশি কান্ন সরে বাজব বাঁশি মাটির পরে আসব সুদে মাটির পরে আসব সুদে মাটির পরে আসব সুদে মাটির পরে আসব সুদে দেশ যতন করো রমনা দেশ যতন করো রমনা না अब मैं बाबा से सामने संकल्प कर रहा है, अब मैं अपने मन को किसी भी छोटे काम में नीचे नहीं आने दूंगा। ना 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 बाबा, मैं अब इसको नीचे नहीं आने दूंगा। आई विल नॉट अलाउ माई माइंड टू कम डाउन टू स्मॉल पेटी मीन थॉट्स। तो ये हमेशा हम लोग याद रखेंगे। बाबा ने जो ये गाने दिए हैं इसलिए तो दिए हैं। तो जोर से प्रेम से बोलिए, परमपिता बाबा की।